नमस्कार साथियों, सुशांत सिंह राजपूत के जो वकील हैं या थे विकास सिंह, उन्होंने एक बड़ी बात कही है सुशांत सिंह के मामले में। उनका ये कहना है कि एम्स के जिन सुधीर गुप्ता ने सुशांत की मौत को सुसाइड बताया था, उन्होंने ही मुझे ओरली कहा था कि सुशांत के गले में जो निशान है वो एस्ट्रेगुलेशन यानी कि गला घोटने का निशान है, हैंगिंग का नहीं है, और बाद में गुप्ता ने ही इसे सुसाइड बता दिया था। मैं तो अभी यही पूछ रहा हूँ कि जहाँ सुशांत लटका मिला उसके बाजू में बेड था, वो स्ट्रगल करता तो बेड पर चला जाता, जब लटक रहा था तो बेड उसकी बॉडी से टच कर रहा था, ऐसे में वो मर कैसे सकता। ये सारी बातें कहना है विकास सिंह का। विकास सिंह जिन्हें कि हर कोई जानता है, वो सुशांत सिंह राजपूत के केस में परिवार के तरफ से वकील थे और अभी वर्तमान में शायद नहीं है, इसकी पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है। अब यह सवाल सुशांत सिंह के परिवार के तरफ से केस लड़ रहे विकास सिंह ने बहुत ही गंभीरता से उठाया है, और जब एक पत्रकार से उन्होंने अभी बात करी है तो उनका ये कहना है कि जांच करने वाले एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता से जब पत्रकार ने बात करके ये बात पूछी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। सुधीर गुप्ता ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है और सुधीर गुप्ता का ये कहना है कि सीबीआई जांच चल रहा है, इसीलिए अभी मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूँगा। आपको पता ही है कि 2 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं सुशांत की मौत को और इसमें देश के 3 सबसे बड़ी एजेंसी जांच कर रही है, सीबीआई है, एनसीबी है, ईडी है, तीनों एजेंसी इस केस में इन्वॉल्व है, लेकिन नतीजा अभी तक 0 है। सीबीआई ने इस केस को 6 अगस्त 2020 को रजिस्टर किया था और तब से जांच करते हुए अभी तक 680 दिन बीत चुके हैं, लेकिन एजेंसी अभी किसी भी नतीजे पे पहुंच नहीं पाया है। और इस मामले में मैं बात करूं कि केंद्रीय एजेंसी ने 4 सीनियर ऑफिसर जो कि काफ़ी तेज तर्रार ऑफिसर हैं उनको शामिल किया है। गुजरात कैडर के 1994 बैच के आईपीएस है मनोज शशिधर, 2004 गुजरात कैडर के आईपीएस गगनदीप गंभीर, 2007 बैच की आईपीएस नूपुर प्रसाद और सीबीआई में एसपी अनिल यादव को लगा रखा है। और सीबीआई के पीआरओ ने जब कंफर्म करने की कोशिश की गई पीआरओ से तो उन्होंने ये कहा कि टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वही टीम इसमें जांच कर रही है। हालांकि इस केस में अभी तक रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि पब्लिक को कोई भी अपडेट नहीं है। हो सकता है कि एजेंसियां अपने तरीके से काम कर रही हैं, अभी वो नहीं चाहती हूँ कि पब्लिक को कुछ अपडेट करें, लेकिन जिस प्रकार से विकास सिंह ने दावे के साथ ये कहा कि सुधीर गुप्ता ने उनसे ओरली रूप से पर्सनली रूप से ये कहा था कि सुशांत की मौत मारा गया है और बाद में उन्होंने अपने बयान को चेंज कर दिया और चेंज करके ये कहा कि नहीं ये सुसाइड है, यानी कि शक हर तरफ है। अब एजेंसियों को देखना है कि आखिर वो किस मुकाम तक पहुंचती है और इस मामले में वो क्या करती हैं। जय हिंद, जय भारत।